नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने किया करीब 8 लाख ईवीएम की मांग। राजधानी पटना में रात के तापमान ने तोड़ा रिकॉर्ड। बिहार में नलजल का लाभ नहीं ले पा रहे कई जिले। दिल्ली से बिहार के लिए चलेंगी 4 समर स्पेशल ट्रेन। लोक आस्था का त्यौहार चैती छठ आज नहाए खाए के साथ हुआ शुरू। अब चले बढ़ते हैं बिहार की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। कोरोना के हालातों पर हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को किया तलब। सूबे बिहार में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों के मद्देनजर तैयारियों के बाबत हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कई निर्देश दिए हैं। वहीं बिगड़ते हालातों को देखते हुए कोर्ट ने चिंता भी जताई है। इसके तहत कोरोना से निपटने के लिए पटना हाईकोर्ट ने सारी तैयारियों की जानकारी स्वास्थ्य विभाग से मांगी है। वहीं कोर्ट ने जांच रिपोर्ट में देरी, इलाज नहीं मिलने पर चिंता जताते हुए कहा है कि आम लोगों के लिए सरकारी अस्पतालों का दरवाजा लगभग बंद सा है, जहां भर्ती करने से मना किया जा रहा है। बेड और ऑक्सीजन की कमी होने की जानकारी भी मिल रही है, जो कि गलत है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सरकार को अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाने और संसाधन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। वहीं इस मामले पर कल यानी कि 17 अप्रैल को फिर से सुनवाई की जाएगी। पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने मांगे करीब 8 लाख ईवीएम। बिहार में पंचायत चुनाव का मसला ईवीएम पर सुनवाई को लेकर अटका हुआ है, जिस पर सुनवाई अभी लंबित है। इस बीच पंचायत चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने केंद्रीय चुनाव आयोग से 7-8 लाख ईवीएम की मांग की है। इस संबंध में बीते दिन हुए दोनों आयोग के बीच एक बैठक में सिंगल पोस्ट ईवीएम की उपलब्धता को लेकर चर्चा हुई। आयोग ने कहा है कि अगर 7-8 लाख ईवीएम उपलब्ध होते हैं तो चुनाव कराने में कम समय लगेगा। हालांकि दोनों आयोग के बीच इस बात पर बुधवार को ही सहमति बन चुकी है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सिंगल पोस्ट ईवीएम के जरिए ही मतदान कराया जाएगा। अब देखना है कि ईवीएम के मिलने में कितना वक्त लगता है। बिहार पुलिस चालक सिपाही परीक्षा के रिजल्ट हुए जारी। केंद्रीय चयन परिषद द्वारा बिहार पुलिस चालक सिपाही के 1722 पदों पर भर्ती के लिए होने वाले लिखित परीक्षा के रिजल्ट को जारी कर दिया गया है, जिसके तहत आज सुबह ही नतीजों को केंद्रीय चयन पार्षद की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया गया है। जिन उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा में हिस्सा लिया था, वो वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल लिखित परीक्षा का आयोजन 3 जनवरी 2021 को किया गया था। इस भर्ती के माध्यम से बिहार पुलिस में ड्राइवर कांस्टेबल के 1722 रिक्त पदों पर भर्ती की जानी है। इसके बाद सफल उम्मीदवारों का सिलेक्शन अब शारीरिक दक्षता परीक्षा और ड्राइविंग टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। लोक आस्था का त्यौहार चैती छठ आज नहाए खाए के साथ हुआ शुरू। बिहारी आस्था का महत्वपूर्ण त्यौहार चैती छठ पूजा की शुरुआत आज नहाए खाए के साथ ही हो चुकी है। इसके साथ ही 4 दिवसीय यह पावन त्यौहार शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि छठ पूजा साल में 2 बार चैत्र और कार्तिक महीने में मनाया जाता है। इसमें मूल रूप से लोग भगवान भास्कर की पूजा अर्चना करते हैं और डूबते और उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही पूजा संपन्न हो जाती है। हालांकि इस बार कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से बिहार में पहले से ही आदेश जारी कर दिया गया है, जिसके तहत घाटों पर छठ पूजा का आयोजन नहीं हो सकेगा। इसलिए इस बार लोगों को अपने अपने घरों में ही भगवान भास्कर को अर्घ देना होगा। राजधानी पटना में रात के तापमान ने तोड़ा रिकॉर्ड। गर्मी की शुरुआत से ही लोगों की परेशानी बढ़नी भी शुरू हो गई है। राजधानी पटना में दिन के तापमान में और गर्म हवाओं के साथ दिन और रात भी गर्म रह रहा है, जिसके तहत गुरुवार की रात पटना में रात के पारे ने पिछले 9 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। बीती रात तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस आंका गया, जो कि पिछले 9 साल में ऐसा देखने को मिला। मौसम विभाग के मुताबिक झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के तटवर्ती क्षेत्रों में बनने वाले चक्रवाती परिक्षेत्र की वजह से बेगूसराय, पूर्वी पश्चिम चंपारण, भागलपुर सहित 16 जिलों में आसमान पर बादल छाने के बाद भी उमस भरी गर्मी का एहसास हो रहा है। इसका असर आज भर दिखाई देने वाला है। लालू यादव की जमानत मामले में फंसा कोरोना का पेच। चारा घोटाला में सजायाफ्ता और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर आज होने वाली सुनवाई होने वाली थी, जिसे झारखंड हाईकोर्ट द्वारा टाल दिया गया है। पूर्व फैसले के मुताबिक 16 अप्रैल को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी, मगर कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु आज पूरे कोर्ट परिसर में सैनिटाइजेशन का काम किया गया, जिसका हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने आज की सुनवाई को टाल दिया। बताते चले, दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में आधी सजा पूरी करने को लेकर लालू यादव ने याचिका दायर की थी। इस मामले में सीबीआई कोर्ट ने लालू को 2 अलग अलग मामलों में 7-7 साल की सजा सुनाई थी। सीबीआई का कहना है कि अभी लालू यादव की सजा पूरी नहीं हुई है, वहीं लालू यादव को बाकी मामलों में पहले जमानत मिल चुकी है। बिहार में नल जल योजना का लाभ नहीं ले पा रहे कई जिले। राज्य सरकार के 7 निश्चय योजनाओं में शुमार हर घर नल का जल योजना को लागू करने में विभागीय मंत्रियों द्वारा अक्सर ही अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई करने की बात कही जाती है, मगर फटकार के बावजूद भी इस योजना का बुरा हाल है। दैनिक जागरण अखबार में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण और पंचायती राज विभाग के हिस्से में आने वाली इस योजना का हाल यह है कि सिर्फ पीएचईडी के 7 प्रमंडलों में ही 100% लक्ष्य हासिल हो पाया है। पीएचईडी की कुल 42 प्रमंडल है, बाकी 37 प्रमंडलों में कुछ ऐसा भी है जिनकी उपलब्धि
22% से भी कम है। जमुई प्रमंडल की उपलब्धि सिर्फ 21.82% है। बांका, भोजपुर, बक्सर, गया, मोतिहारी, जहानाबाद, मधुबनी, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्वी एवं पश्चिमी और वैशाली प्रमंडलों की उपलब्धियां 90% से अधिक है। वहीं अन्य प्रमंडल 50% से अधिक और 90% से कम लक्ष्य हासिल कर पाए हैं। विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं पर लगा कोरोना का ग्रहण। राज्य में कोरोना का साइड इफेक्ट विश्वविद्यालयों पर भी देखने लगा है, जिसके तहत कई कोरोना संक्रमित शिक्षकों कर्मचारियों की संख्या हर विश्वविद्यालय में लगातार बढ़ती जा रही है, जिस कारण अब शिक्षक और कर्मचारी परीक्षा ड्यूटी में भाग नहीं लेना चाह रहे। ऐसे कई विश्वविद्यालय ने अपनी परीक्षाओं को अगले आदेश तक स्थगित करने का फैसला कर लिया है। इसी क्रम में पटना विश्वविद्यालय के कुलपति, कर्मी और कुछ शिक्षक भी संक्रमित हो गए हैं। बीएन कॉलेज के 7 से 8 कर्मी और शिक्षकों को संक्रमण पाया गया है। वहीं साइंस कॉलेज के प्राचार्य के भी पॉजिटिव होने की सूचना सामने आई है। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कई प्रिंसिपल संक्रमित हो गए हैं। वहीं नालंदा खुला विश्वविद्यालय के कई कर्मचारी भी पॉजिटिव पाए गए हैं। 15वें वित्त आयोग की राशि में बढ़ेगा बिहार के पंचायतों का विकास का दायरा। बिहार के गांव की तरक्की का दायरा अब और भी बड़ा होगा, क्योंकि अब इसके लिए 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर मिलने वाली राशि का उपयोग हो सकता है। इसके तहत इस राशि के खर्च से संबंधित पुरानी गाइडलाइन में संशोधन किया गया है। पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव के आदेश के मुताबिक अब 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर मिलने वाली राशि से गाँव में खेल के मैदान, उद्यान, छठ घाटों का निर्माण, नाली और गली के पक्कीकरण, सड़कों के निर्माण, सीसी कैमरा और सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया जाएगा। दिल्ली से बिहार के 4 शहरों के लिए चलेगी समर स्पेशल ट्रेन। यात्रियों की सुविधाओं के लिए रेलवे ने दिल्ली से दरभंगा, सीतामढ़ी, जोगबनी और राजगीर के लिए 4 समर स्पेशल अलग अलग तारीखों में चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेनें एक तरफा होंगी, यानी कि दिल्ली से ही खुलेंगे। इसके तहत गाड़ी संख्या 04076 नई दिल्ली से 17 अप्रैल को रात 11:15 पर खुलेगी। यह गाड़ी दूसरे दिन रात 9 बजे दरभंगा पहुंचेगी। वहीं गाड़ी संख्या 04002 आनंद विहार टर्मिनस से शुक्रवार को रात 11 बजे खुलेंगी और सीतामढ़ी पहुंचेंगी। गाड़ी संख्या 04088 आनंद विहार टर्मिनस से 17 अप्रैल को सुबह 8:10 पर खुलेगी। यह गाड़ी दूसरे दिन सुबह 7:50 पर जोगबनी पहुंचेगी। वहीं गाड़ी संख्या 04090 नई दिल्ली से शुक्रवार को 7:25 पर खुलेगी, जो कि दूसरे दिन शाम 4:55 पर राजगीर पहुंचेगी। गया में जल्द दिखेगी भगवान बुद्ध की 100 फुट लंबी प्रतिमा। सूबे बिहार के पर्यटन स्थलों में से एक और धर्मनगरी माने जाने वाले जिले गया में जल्द ही भगवान बुद्ध की एक शानदार प्रतिमा लोगों को देखने को मिलने वाली है। यह मूर्ति कई मायनों से आकर्षक होने वाली है, क्योंकि यह मूर्ति भगवान बुद्ध के शयन अवस्था में दिखने वाली है। भगवान बुद्ध की लेटी हुई यह मूर्ति 100 फीट लंबी होगी, जिसे विश्व के सबसे लंबे लेटी हुई मूर्ति माना जाएगा। इस आकर्षक मूर्ति को बोधगया प्रखंड कार्यालय के पीछे जानी बिघा में बनाया जाएगा। इसके साथ ही 50 टुकड़ों में इसे तैयार किया जा रहा है, जिसके तहत इसके एक एक हिस्से को बेहद बारीकी से तैयार किया जाएगा। आपको बता दें कि यह मूर्ति पूरी तरह से फाइबर की बनी होगी और मूर्ति का निर्माण कोलकाता के कलाकारों के द्वारा किया जा रहा है। बिहार में टीका दिवस के दौरान इतने लोगों को लगा टीका। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में टीका दिवस का आह्वान किया था, जिसके बाद बिहार में 11 से लेकर 14 अप्रैल के बीच में 5,44,269 लोगों को टीका लगाने का काम किया गया है। हालांकि बिहार सरकार की तरफ से टीका दिवस के दौरान लगभग 16,00,000 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य तय किया गया था। खबरों की माने तो सबसे ज्यादा टीकाकरण 11 अप्रैल को देखने को मिला, जिस दिन रिकॉर्ड तोड़ 2,00,000 से ज्यादा टीकाकरण किया गया। हालांकि कोविड-19 के बढ़ते माहौल को देखते हुए सरकार लगातार वैक्सीनेशन को बढ़ाने की पूरी कोशिश करती नजर आ रही है। निजी अस्पतालों में भी ऑक्सीजन की कमी पर तेजस्वी ने दिया बयान। सूबे बिहार में बढ़ते कोरोना केसेस के साथ ही घटती सुविधाओं का वाकया कई जगहों पर देखने को मिल रहा है। सरकार ही नहीं, अब कई निजी अस्पतालों में भी सुविधा की कमी के कारण नो एंट्री का बोर्ड चुका है। इसके तहत राजधानी पटना में 7 निजी अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था नहीं होने के कारण अस्पताल प्रशासन ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, जिसके बाद इस मामले पर विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि बिहार में डरावने हालात है। जब राजधानी पटना में ही ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं और निजी अस्पतालों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, तो शेष बिहार की आप कल्पना मात्र कर सकते हैं। आपको बता दें, पटना के बड़े अस्पतालों में शुमार पारस हॉस्पिटल, कुर्जी होली हॉस्पिटल, हाईटेक अस्पताल, जगदीश मेमोरियल अस्पताल, ऑक्सीजन अस्पताल, इसके साथ ही समय हॉस्पिटल, पल्स इमरजेंसी अस्पताल ने ऑक्सीजन नहीं होने की बात कही है। संजू सैमसन हो रहे हैं ट्रोल आर्मी के शिकार। आईपीएल में कल के मैच में क्रिस मॉरिस के 18 गेंदों में 36 रन की पारी के बदौलत राजस्थान रॉयल्स ने दिल्ली कैपिटल्स को हरा दिया। इस दौरान मॉरिस ने 4 गगनचुंबी छक्के भी लगाए। मॉरिस की इस पारी के बाद सोशल मीडिया पर फैंस राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन को अलग अलग अंदाज में ट्रोल कर रहे हैं। दरअसल राजस्थान का पहला मुकाबला पंजाब किंग्स के साथ हुआ था और इस मैच में सैमसन ने अंतिम ओवर में मॉरिस को स्ट्राइक देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद भारत के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने भी इस वाक्य को मॉरिस की कल की पारी से जोड़कर ट्विटर पर एक मजेदार पोस्ट डाला था। सहवाग ने अपने ट्विटर हैंडल पर मॉरिस की 2 तस्वीरों को ट्वीट किया, जिसमें एक में वो राजस्थान और पंजाब के बीच खेले गए मुकाबले की है और दूसरी कल के मैच की। साथ ही उन्होंने अपने ट्वीट में मजेदार कैप्शन डालते हुए लिखा, पहली तस्वीर पिछला मैच पैसा मिला पर इज्जत नहीं मिली, दूसरी तस्वीर आज का मैच, इसे कहते हैं इज्जत, इज्जत भी पैसा भी, वेल डन क्रिस मॉरिस। वहीं कल के मैच के बाद फैंस जमकर संजू सैमसन को ट्रोल कर रहे हैं। देश भर में कोरोना मामले हुए आउट ऑफ
ऑफ कंट्रोल। देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले अब कंट्रोल से बाहर हो गए हैं और हर दिन संक्रमितों का आंकड़ा एक नया रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में ही देश भर में कोरोना के 216,850 नए मामले सामने आए, वहीं 1183 लोगों की जान चली गई है। देश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या भी 15 लाख के पार पहुंच चुकी है। कोरोना महामारी शुरू होने के बाद से यह अभी तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। मौतों के आंकड़े में भी उछाल देखने को मिल रहा है। इस बीमारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 1,24,29,564 पर पहुंच गई है, जिसके बाद मृत्यु दर 1.23% है। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आज शाम खेले जाने वाले आईपीएल मैच में पंजाब किंग्स 11 और चेन्नई सुपर किंग्स में से किस टीम का पलड़ा ज्यादा भारी है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।